नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा आईटीआई और बीटेक के लिए, तो उसे कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। उसके पहले बता दूं दोस्तों कि कल मैंने इस वीडियो का कंप्लीट नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन की पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है। ये जो है आईटीआई अगर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रखें तब भी, और बीटेक बीई कर रखें तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल 2 वर्षों के लिए मान्य है, 2 वर्ष तक तो आपको रखा जाएगा, लेकिन सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर चले आएंगे और यहां पर आपको आकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर देख सकते हैं जो कुछ डिटेल फिलअप करनी है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर मिसेज जो भी है, तो मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका अपना नेम इंटर कर लेना है। चलिए मैं एक एक करके पूरा कंप्लीट स्टेप आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सबसे पहले आपको नेम इंटर कर लेना है, नेम में जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको मेल या फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी जो कि जरूरी है ईमेल आईडी से इंटर कर लेनी है, और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, सेकेंडरी कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद जो है आपको चले जाना है यहाँ पर आर यू डिसेबल कैंडिडेट, तो यस नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वैलिडेशन लिंक इज सेंट योर रजिस्टर ईमेल, तो लिंक आपके रजिस्टर ईमेल पर भेज दिया गया, वहाँ से आप जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड देख सकते हैं। तो चलिए अपना ईमेल आईडी भी चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप मेल ओपन करेंगे एक मेल आया होगा आपका माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के नाम से, तो उसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा वैलिडेट लिंक क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड, तो इसको इंटर करके लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन के पेज पर चलते हैं, आपको इसको नोट करके जो है बैक आ जाना है लॉगिन पे। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से उसी पेज पर चले जाना है, होम पर चले जाना, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि लॉगिन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें, तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का लिंक ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन के लिए ओपन हो चुका है पेज। तो यहाँ पर आपको सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड अपना इंटर करके कैप्चा, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर लेना और यहाँ पर कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेना, लॉगिन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा इंटर कर लिया है, तो इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपका नेम शो करेगा और बाकी जो है डिटेल फिलअप करनी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सारे जो पोस्ट शो करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पर एक है एग्जेक्टिव मतलब अधिकारी और एक कर्मचारी है, तो अधिकारी में जो यहाँ पर दूसरा फॉर्म शो करेगा, तो इस पर आपको नहीं देखना है, यहाँ पर आपको कर्मचारी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कर्मचारी पर नॉन एग्जेक्टिव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर सारे पोस्ट शो करेंगे, इसमें से जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ से आप देख कर जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पर जिस स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके ट्रेड हो, यहाँ पर जैसे फीटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ फीटर पर क्लिक कर लें, फीटर पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए फीटर के लिए क्या है इन्होंने रखा है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए, अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 35% के साथ, और उसके अलावा हाई स्कूल पास होना चाहिए, और सैलरी यहाँ 17,000 से आपको 64,360 रुपये तक मिल जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट बहुत सारी है, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 38 और OBC के लिए 41 और SC ST के लिए 43 वर्ष रखी गई, तो एज लिमिट बहुत है दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार जो भी आपको जो है अप्लाई करना है जिस पोस्ट के लिए आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर जो है डिप्लोमा के लिए अप्लाई करता हूं, तो डिप्लोमा के लिए अप्लाई करने के लिए यहां पर डिप्लोमा के लिए कई वैकेंसी हैं, तो यहां पर चलिए मैं दिखा देता हूं डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है।
तो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंस्पेक्टर मैकेनिकल एनडीटी, ये भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, जो भी आपको अप्लाई करना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, तो इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो व्यू एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर शो करेगा, एससी मतलब 10th है 35% के साथ जो है, मिनिमम एक्सपीरियंस कोई नहीं, एक्सपीरियंस 0 ईयर्स, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या इन्होंने मांग रखा है कि मस्ट है पास्ड जो है आप पास होने चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से जो है, डिप्लोमा जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा आप पास होने चाहिए, फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा आप पास होने चाहिए जो है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या नीचे चले जाना है और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन क्लिक करके नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है आप सीधे इसके वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करके जो है स्वीकार एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्म कई स्टेप में, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बहुत सारी स्टेप में। तो यहाँ पर पहले पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और पेरेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ इतने सारे स्टेप कंप्लीट करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 55 है। यहाँ पर ऐसे ही आपके जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर शो हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको फादर्स नेम इंटर करना है, तो चलिए मैं इंटर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक डिटेल इंटर करनी, सबसे पहले फादर्स नेम इंटर करना है, फादर्स नेम का फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड अमैरिड, जेंडर सेलेक्ट पहले से रहेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर आपको केवल एक ही मिलेगा मुंबई, तो यहाँ पर मुंबई ऑलरेडी सेलेक्ट करना है एक ही टेस्ट। और यहाँ पर बाकी जो आप अगर डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस नो कर लें, यहाँ पर जो भी आपकी योग्यता है तो कंप्लीट कर लें इसे। और यहाँ पर आप अपना रिलीजन धर्म सेलेक्ट कर लें, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, और यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लें एससी एसटी ओबीसी जो भी हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, एड्रेस में आपको यहाँ पर सिटी की बात करें तो सिटी आपकी हर सिटी शो नहीं करेगी, यहाँ पर जो कुछ खास सिटी शो करेगी। तो यहाँ पर जो है जो आपके पास सिटी जो आपके पास नज़दीक हो वो सिटी सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ, इस पर नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक स्टेप पूरा हो जाएगा, पर्सनल डिटेल पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल पूरा हो चुका, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने सबसे पहले मांग रखा हाई स्कूल की डिटेल, कोर्स नेम में एसएसटी लिखा हाई स्कूल, यहाँ पर नेम आप इंस्टीट्यूट इंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पर सब्जेक्ट इंटर करना है, और इसके बाद मार्क परसेंटेज आप मार्क मीडियम आप पासिंग और यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एक एक मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाई स्कूल की डिटेल इंटर कर ली, इसके बाद आपको डिप्लोमा का इंटर करना है। तो यहाँ पर कोर्स नेम में डिप्लोमा इन मैकेनिकल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेम आप इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट कर लें, ईयर ऑफ पासिंग जो मार्कशीट पर लिखा है ईयर ऑफ पासिंग लिख लें डेट सहित। इसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पर साइंस इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच हो यहाँ पर इंटर कर लें। इसके बाद परसेंटेज कितने आए वो इंटर कर लें, और मीडियम आप पासिंग किस मीडियम से आप पास किए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर इंटर कर लें। यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट डिवीजन या डिक्टेशन या सेकंड डिवीजन जो भी सिलेक्ट कर ले। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की और जो है यहाँ पर आपको इंटर करना है, तो जो भी आप किए हो अदर इसके यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करें, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप हो जाएगी। अब वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम इंटर कर लेना है, नेम इंटर कर लेना और पोस्ट कौन सी पोस्ट आपकी सी डीएटी या डीटी जो भी पोस्ट रही हो, वर्क एक्सपीरियंस कब से कब था यहाँ पर इंटर कर ले, ड्यूरेशन अपने आप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टिक कर ले ऐड हो जाएगा, तो ऐड करना अगर है कोई तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर लें कि नहीं है, तब नहीं करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, अगर है तो ऐड कर लें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अगले पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर जो है साइज दी गई है फोटो और सिग्नेचर की 700 KB JPG या JPEG सभी में जो है आप फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, 700 KB की मैक्सिमम होनी चाहिए। तो चलिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। इसके बाद अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
तो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके परिवार का कोई जो है एम्प्लॉयमेंट है मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स में, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करते आपके नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार आपका फार्म शो करेगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स शो करेगी, फोटो यहाँ पर शो करेगी। एक बार इसको चेक कर लें, अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करें, नहीं तो एडिट पर क्लिक करें, नहीं तो सब अगर ओके है तो यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पर क्लिक लेना है और यहां पर एक्सेप्ट क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही एक्सेप्ट क्लिक करेंगे यहां पर सबमिट करने के लिए आएगा, तो सब फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहां पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है अप्लाई करने के लिए। धन्यवाद। और पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो होम पर जाएं और होम से एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर होम पे चले आना है। जैसे होम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट आपके अकाउंट में एक पोस्ट ऐड हो चुका है, तो आपने एक पोस्ट अप्लाई किया है। पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखा है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर पंजीकरण संख्या आपकी दे गई है, यहाँ सबमिटेड ENN, यहाँ पर कोई दस्तावेज नहीं। इसके बाद फार्म यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी पोस्ट अप्लाई करनी है मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर सिंपली आपको फिर से जो है नीचे चले जाना है। यहाँ पर कर्मचारी नॉन एग्जीक्यूटिव पे, नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाएंगे तो सारी पोस्टें आपकी शो होने लगेंगी और इसमें से जो भी आपको पोस्ट अप्लाई करनी है फिर से आप देख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जो है यहाँ पर मैंने जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर के मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद मैं चलिए दिखा देता हूँ कौन सा अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद आप चाहें तो ये वाला फार्म अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए। तो इस पर क्लिक कर लेना है अप्लाई करने के लिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरिया आपके सामने शो करने लगा। क्राइटेरिया एक हाई स्कूल पास जो है और यहाँ पर जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या सिविल में। तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो इसे भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा कुछ डिक्लेरेशन आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी सारी डिटेल पहले से शो करेगी जो कि आपने फिलअप की थी। या इसकी वैकेंसी यहाँ पर 33 बताई गई, तो 33 है वैकेंसी। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो करेगी। आपको केवल क्या करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे एक बार चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो वही सेम स्टेप फॉलो करना है जो अभी आपने फॉलो किया था, वही स्टेप फॉलो करते करते आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं इस प्रकार फॉर्म शो करेगा। इस पर जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो है फिर से होम पर आपका जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो होम पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दो फार्म आपने कर चुके हैं। ऐसे जितने फार्म आपको अप्लाई करना है कर सकते हैं। OBC जनरल के 100 रुपये की फीस पेमेंट है, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन देखना चाहे तो देख सकते हैं। व्यू फार्म पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फार्म आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल शो करेगी, आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करके जो है आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों मैं बता दूं ये तो केवल 2 साल के लिए है, लेकिन सैलरी आपको अच्छी खासी मिली तो जरूर अप्लाई करें। दोस्तों फीस SC ST कैंडिडेट के लिए कोई नहीं, जनरल OBC के लिए केवल 100 रुपये की फीस है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।